खानदान 1965 में बनी हिंदी भाषा की भारतीय फिल्म है जिसका निर्देशन ए भीम सिंह ने किया है फिल्म में सुनील दत्त नूतन प्राण ओम प्रकाश ललिता पवार हेलेन और मुमताज़ ने अभिनय किया है फिल्म का संगीत रवि ने दिया है बॉक्स ऑफिस पर सफल रही यह फिल्म 1965 की सातवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई जिसने लगभग दो करोड़ अस्सी लाख रुपए की सकल कमाई और एक करोड़ चालीस लाख रुपए की शुद्ध कमाई की दो युवकों जीवनादास और शंकर को अपने पिता रामस्वरूप लाल के निधन के बाद खेत का एक बड़ा क्षेत्र विरासत में मिला जीवनादास ने भागवंती से शादी की लेकिन वे नसंतान हैं जबकि शंकर ने पार्वती से शादी की और उनके दो बेटे हैं गोविंद और श्याम एक दुर्घटना बिजली का झटका के कारण गोविंद का दाहिना हाथ लकवाग्रस्त हो गया भविष्य में कई वर्षों में श्याम शहर में शिक्षा प्राप्त करने के लिए चला जाता है लेकिन लौटने पर पाता है कि परिवार असहमति और कड़वाहट के कारण दो भागों में बंट गया है एक तरफ जीवनादास भगवंती श्याम नवरंगी और नीलिमा और दूसरी तरफ गोविंद उसकी पत्नी राधा शंकर और पार्वती इस बार हाथी खरीदने के लिए उसने श्याम से अधिक पैसे उधार लिए गोविंद और राधा जल्द ही एक पूरी तरह से स्वस्थ बच्चे नवजीवन दास लाल के जन्म का जश्न मनाते हैं बाद में नवरंगी ने कार्निवल में हाथी का उपयोग करके एक शो का मंचन शुरू करने का इरादा किया जहां एक लड़के को ट्रंक से फेंक दिया जाता है और वह गोविंद के बेटे का उपयोग करने का इरादा रखता है बाद में नवजीवनदास का नवरंगी द्वारा अपहरण कर लिया जाता है गोविंद और राधा कार्निवल में पहुंचते हैं और नवजीवनदास को बचाते हैं नवरंगी गोविंद पर हमला करता है लेकिन आश्चर्यजनक रूप से गोविंद अपने पक्षाघात से बाहर निकल जाता है और नवर